हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताऊंगी बहुत ही सुंदर कुर्ती की नेक डिजाइन कैसे बनाएं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, मैंने कुर्ती नीचे कट कर लिया और ये मैं ब्लू कलर का कपड़ा लिया इसमें डिजाइन डालने के लिए। मैं आपको इसका साइज बताती हूँ। देखिए, जो हमने इसकी लंबाई ली है वो मैं 28.5 इंच ली है। देखिए मैं 28 साइज का बना रही हूँ, तो मैंने डबल फोल्ड में 7 इंच ले लिया है और 1.5 इंच वाला मार्जिन है इसमें। देखिए, हमने शोल्डर भी हमने 6.5 इंच ली, देखिए, और मैं मुंडे भी 6.5 इंच ली है, और इसमें मैंने इसमें 1 इंच की गुलाई दी है क्योंकि हम ये फ्रंट का बना रहे हैं। देखिए, शोल्डर से हम 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं। देखिए, 5.5 इंच तक हम लंबी लाइन ड्रॉ कर रहे थे। हम 1 इंच गुलाई लेंगे, इसमें राउंड में शेप लेंगे इसकी। सेम कप हम कट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह मैंने कट कर लिया है। अब जो मैं ब्लू कलर का कपड़ा लिया था, इससे बताते हैं आपको डिजाइन कैसे डाले हम। देखिए, इस तरह मैंने अपना सूट खोल लिया, देखिए इस तरह, और जो मैं ब्लू कलर का कपड़ा लिया था इसे हम इस तरह रखेंगे शोल्डर से। देखिए, इस तरह इस तरह मैंने इसके ऊपर कपड़ा रख लिया अपना, और देखिए इस तरह हम दोनों शोल्डर पकड़ेंगे और इस तरह हम पलट देंगे इसे। देखिए, इस तरह मैंने पलट लिया है और हम इस तरह इसके मुट्ठी कट करेंगे। अब हम नेक अभी कट नहीं करेंगे इसका। इस तरह मैंने दोनों मुट्ठी कट कर लिए, अब हम इसे सीधा करेंगे। अब देखिए, इस तरह हम अभी इसे हटाएंगे। अब देखिए, इस तरह मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। देखिए, इस तरह अब हम इसका नेक कट करेंगे। देखिए, इस शोल्डर से हम 3 इंच लेंगे जैसे हमने उसमें कट किया था 3 इंच में, और जो हम इसकी लंबाई लेंगे वो हम 3 इंच लेंगे। इस तरह इसमें हम बॉक्स बना लेते हैं, इसमें भी हम 1 इंच की गुलाई देंगे। देखिए, इस तरह यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं इस तरह। देखिए, यहाँ से हम इस तरह गुलाई देंगे। देखिए, ब्रुक कोने से हम इस तरह लेके जाएंगे इसे। देखिए, इस तरह अब हम सेम ड्रॉप हम कट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह मैंने दोनों कट कर लिए। देखिए, हम इस तीनों की हम कैनवास और नेक पट्टी कट करेंगे। अब इस तरह मैंने कैनवास डबल फोल्ड कर लिया है, जो हमारा नेक निकला था नीचे का, इसे हम इस तरह रखेंगे इसके ऊपर, और हम सेम ड्राफ हम कट कर लेते हैं। अब देखिए, इस तरह मैंने कट कर लिया है। जो हम इसकी चौड़ाई लेंगे वो हम 1 इंच लेंगे ऊपर से, और हम 1 इंच पे कट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह मैंने कट कर लिया है। देखिए, इस तरह मैंने डबल फोल्ड कर लिया कैनवास, और जो हमारा नेक निकला था इसे हम इस तरह रखेंगे, इसे हम सेम डाफ हम कट कर लेते हैं। और जो इसकी चौड़ाई लेंगे ये भी हम 1 इंच लेंगे, और हम 1 इंच पर कट कर लेते हैं। ये हम नीचे से कट करेंगे, देखिए इस तरह, और सेम इसी तरह मैं इसका भी नेक कट कर लेती हूँ। देखिए, इस तरह मैंने तीनों कैनवास कट कर लिए। अब हम इसकी नेक पट्टी कट करेंगे। देखिए, मैंने नेक पट्टी के लिए डबल फोल्ड कर लिया कपड़ा, देखिए इस तरह, और जो हमारा ड्राफ्ट निकला था इसे हम इस तरह रखेंगे ऊपर से। ऊपर से हम 1.5 इंच छोड़ देते हैं, हम सेम ड्राफ्ट हम कट कर लेते हैं इसे। इसकी जो चौड़ाई लेंगे हम 1.5 इंच लेंगे। देखिए, इस तरह मैंने कट कर लिया। इसी तरह मैं दोनों नेक कट कर लेती हूँ। देखिए, इस तरह मैंने तीनों नेक और कैनवास कट कर लिए। अब मैं आपको इसका सिलने का मेथड बताती हूँ। देखिए, नीचे मैं नेक पट्टी रख ली है, देखिए इस तरह, और जो मैं कैनवास कट की थी इस तरह कैनवास भी रख ली हमने, और देखिए इस तरह हम ऊपर से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इस तरह हम फोल्ड करेंगे और पूरे हम सिलाई लगाते। देखिए, इस तरह मैंने सिलाई लगा दी। इसी तरह मैं दोनों नेक तैयार कर लेती हूँ। और देखिए, इस तरह मैंने तीनों नेक तैयार कर लिए।
देखिए इस तरह पहले हम ऊपर के नेक में लगाएंगे, तो देखिए इस तरह इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह हम राउंड में सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दिए, इस तरह हम अंदर फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरह मैंने ऊपर नेक में सिलाई लगा दिए, अब यहाँ नीचे लगाएंगे हम, देखिए इस तरह, और इस तरह हम सिलाई लगाते हैं। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी, इसे भी हम इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगाते हैं। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है, देखिए हमारा दोनों नेक तैयार हो गए ऊपर नीचे के। इसी तरह मैं इसमें भी नेक तैयार कर लेती हूँ। देखिए सेम मैंने उसी तरह इसमें भी नेक लगा लिया है। देखिए दोनों नेक हमारे तैयार हो गए। देखिए इस तरह नीचे हमने कुर्ती रख ली है और जो हमने ऊपर का नेक कट किया था इस तरह शोल्डर से हम रखेंगे इस पे, और इस तरह हम पिन से सेट कर देते हैं। देखिए इस तरह हम दोनों शोल्डर पे लगा लेती हूँ पिन। देखिए इस तरह मैंने दोनों शोल्डर पे पिन लगा लिए। अब देखिए इस तरह मुड्डे पे हम पिन से अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह मैंने पिन लगा ली है, देखिए यहां से भी हम पिन लगा लेते हैं। देखिए इस तरह सेम इसी तरह मैं यहाँ पे भी पिन लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने पूरे में पिन लगा लिए, देख सकते हैं। अब हम यहाँ शोल्डर से पूरे में सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है, देख सकते हैं। देखिए इस तरह हमारा पूरा कुर्ती रेडी हो गई हमारी, देख सकते हैं। देखिए हमने नीचे का नेक भी तैयार कर लिया है, हमने ऊपर के दोनों नेक तैयार कर लिए और देखिए पूरे हमने सिलाई लगा दी, देख सकते हैं पूरे में। देख सकते कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारी कुर्ती का। इस आसान तरीके से आप सुंदर सा नेक बना सकते हैं अपनी कुर्ती के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू।